नमस्कार, केपी किचन में आपका स्वागत है। आज हम केरल की रेसिपी अप्पम बनाने जा रहे हैं। ये झटपट से बनने वाला नाश्ता है। उसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल सूजी ली है, एक बाउल पोहा लिया है और एक बाउल ही दही लिया है। तीनों की समान मात्रा रखी है हमने। तो मैंने पोहा को थोड़ा सा धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसको मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और इसका महीन पेस्ट बनाएंगे हम। उसके लिए हमने टोटल, हमको बैटर बनाने के लिए 3 बाउल पानी लगा है। अब हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे 1 चम्मच और मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें, या तो आप 1 शीशे इनो का डाल सकते हैं या फिर 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा को हम डालेंगे। इनो को डालने के बाद हमको जल्दी से इसको बनाना पड़ेगा। अब हम नॉनस्टिक तवा लेंगे, उस पर हम थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर देंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच से इस बैटर को तवे पर डालेंगे और इसको फैलाना नहीं है, ये अपने आप ही फैलता है और ये इस प्रकार से इसमें जाली पड़ना लग जाएगी। अब ये देखिए, ये नीचे से अच्छे से सिक चुका है। इसको हमको एक ही तरफ से सेकना है, ये ऊपर से भी अपने आप सिक जाएगा। तो इस प्रकार से हम सारे अप्पम को तैयार कर लेंगे। देखिए ये जाली कितनी अच्छी पड़ी है और ये अच्छे से सिक चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम सारे अप्पम को तैयार कर लेंगे। तो आप भी इसको इस प्रकार से ट्राई कर सकते हैं। तो इसको हम नारियल की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। और ये बनने में भी बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए इतना सॉफ्ट बना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी साउथ इंडियन रेसिपी और भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।